गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू शिप्रा वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन रहे हैं मोमोज़ मैंने बना लिए। मोमोज़ की चटनी बनानी बाकी है और अब मोमोज़ को स्टीम करना है, तो मैंने सोचा पहले इनको बना लेती हूँ, उसके बाद स्टीम कर लूँगी फटाफट से। तो बस मैंने स्टीमर भी गैस पर चढ़ा दिया है और अब ये फटाफट से स्टीम हो जाएंगे, क्योंकि इनको स्टीम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इनको बस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी मेहनत भी लग जाती है, लेकिन वो ये सबको पसंद आते हैं तो बनाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे मोमोज़ बनकर रेडी हैं, तो अब सबको सर्व कर देती हूँ। और मैंने चार चार मोमोज़ के हिसाब से ही बनाए हैं, क्योंकि फिर खाना भी खाना है, वैसे भी मोमोज़ क्या हैवी हो जाते हैं। तो बस चटनी भी मेरी रेडी हो चुकी थी, मोमोज़ रेडी हैं, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, और अभी बजे हैं सुबह के 11 बजे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब हो चुका है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ नहा धो के। आज मैंने साड़ी पहन ली है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि अभी खाना बनाऊंगी, 11 बज चुके हैं। नाश्ता तो हालांकि हैवी हो गया, क्योंकि मोमोज़ बनाए थे तो हैवी हो जाते हैं मोमोज़, फिर भी मैं सोच रही हूँ खाना टाइमली बना लेती हूँ, तो जब भूख लगेगी सबको तो खा लेंगे। तो आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी विंटर स्पेशल जो है रेसिपी शेयर करूँगी, और कौन सी रेसिपी शेयर करूँगी अभी बताऊँगी आप लोगों को। कल ना मैं बहुत सारी सब्जियाँ इधर बैठ जाती हूँ, कल मैं बहुत सारी ढेर सारी सब्जियाँ लेकर आई थी, विंटर स्पेशल सब्जियाँ, जिसमें मैं लाई थी मटर, मेथी और मूली, बहुत सारी जो विंटर्स में आती है ना सब्जियाँ, वो सारी लेके आए थे हम लोग कल। और अभी एक दो दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तबीयत तो ठीक है अब थोड़ी, लेकिन मन थोड़ा सा अभी सेट नहीं है, तो इस वजह से व्लॉगिंग नहीं की थी। आज मैंने सोचा चलो आज कैमरा उठा ही लेते हैं और व्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, मोमोज़ बना रही थी और मोमोज़ की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो मेरे पिछले व्लॉग्स में जाके मेरे मोमोज़ की रेसिपी देख सकते हैं, अगर किसी को देखनी है तो। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, खाना बनाते हैं और मिलती हूँ आप लोगों से अभी, देखते हैं क्या बनाते हैं। फ्रिज में देखती हूँ सब्जी, कौन सी सब्जी बनानी है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ मेथी मटर मलाई की सब्जी, और विंटर स्पेशल रेसिपी आप लोग मांग रहे थे, तो इसी वजह से कल मैं ये सब सब्जियाँ भी लेकर आई थी। तो चलिए आज आप सबकी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं, पहले पति और बेटे की फरमाइश पूरी कर दी मोमोज बनाकर, और अब विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। तो चलिए आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। पहले इनको भीनना पड़ेगा, मटर को छीलना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलिए फटाफट से लग जाती हूँ काम में। यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से भीन लिया है और अब यहाँ पर मैं धोने के लिए आ गई हूँ मेथी को, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। कोई भी पत्तेदार सब्जी होती है जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया या मेथी हो गई, उन सभी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो एक बार इन्हें अच्छे से धोना होता है। और यहाँ पर साथ ही मैंने मटर भी उबलने के लिए रख दिए हैं और साथ के साथ मेथी के लिए भी मैंने पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि मेथी को उबालना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो क्या है सब्जी में कड़वाहट सी आ जाती है। वैसे तो आप फ्राई करके भी मेथी मटर मलाई बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कड़वापन उसमें रहता है, और अगर आप मेथी को उबाल लेते हैं ना तो उसका सारा कड़वापन निकल जाता है और सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर कई लोगों की शिकायत होती है कि मेथी से सब्जी खारी हो जाती है, तो अगर आप उबाल के बनाएंगे तो आपकी सब्जी कभी भी खारी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, ऑयल डाल देते हैं कढ़ाई में, और मैं यहाँ पर खड़े मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इनको थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे ताकि मुँह में नहीं आए किसी के भी। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसालों को दरदरा कूट लिया है, जीरा डाल दिया है और राई ऐड कर दी है, साथ के साथ मैंने हींग भी ऐड कर दी है यहाँ पर,
और यहाँ पर मैंने हल्दी को भी ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाकर रख लिया था, वो भी इसमें ऐड कर लिया है, यानी कि टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है, जिसमें कि अदरक और हरी मिर्ची को भी ऐड कर दिया था। अब इसमें बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना खाते हैं कम ज़्यादा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इन सभी मसालों को एक बार अच्छे से भुनने देंगे। तो ये देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं और अब इसमें इस स्टेज में हम मटर डालेंगे। आप मटर को बगैर उबाले भी डाल सकते हैं, बट वही है कि टमाटर के साथ ना मटर अच्छे से पकते नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से मटर को मैंने पहले उबाल लिया था। साथ के साथ अब मैंने इसमें मेथी को भी ऐड कर लिया है और मेथी को भी हमने उबाल लिया है, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है मलाई ऐड करने की। जब भी मलाई ऐड करें गैस का जो फ्लेम है वो लो कर दें। और मैंने यहाँ 3-3.5 चम्मच मलाई ऐड की है और यहाँ पर ये मैंने फ्रेश मलाई ऐड की है, घर की मलाई है। आप बाहर की मलाई जैसे अमूल वगैरह की जो आती है वो भी ऐड कर सकते हैं, वैसे घर की मलाई से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी मेथी मटर मलाई की विंटर स्पेशल सब्जी बनकर तैयार है। बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और खाने वगैरह के काम से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर आज आ गई हूँ बॉक्स को संभालने के लिए, जिसमें गरम कपड़े मैं रखती हूँ ना, आधे गरम कपड़े तो मैंने अलमारी में रख रखे हैं, कुछ बॉक्स में और कुछ इस ट्रंक में हैं, तो आज इस ट्रंक की बारी लगा देते हैं। तो इन सबको एक बार हटा करके देखूँगी, दोबारा से सेट करूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर रख दिए थे, बस धो करके इनको मैं उल्टा करके रख देती हूँ ताकि रुए नहीं लगते कहते हैं ऐसा करने से, तो मैं क्या है उल्टी तरफ से फोल्ड करके इनको रख देती हूँ। और कुछ मेरी जैकेट्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आज देखूँगी और इनमें मुझे नैपकिन की जो बॉल्स होती हैं ना वो भी डालनी है। तो ज़्यादा तो ये बिखरा हुआ नहीं है, नीचे से तो पूरा सेट ही है, ऊपर जो भी कपड़े थे ना वो लास्ट ईयर जो मैंने धो करके डाले थे वो देख रही थी मैं। और ये जो है मैंने पायदान बना रखा है जूट का और ये काफ़ी मेहनत से बनता है, कभी आपको अच्छे से दिखाऊंगी। बॉक्स में रखा था तो मैं दिखा रही थी और ये गोलियां दिखा रही थी, तो ये गोलियां भी अब मैं डाल देती हूँ नैपकिन की। तो बस यहाँ पर सारी जैकेट वगैरह अब सेट कर रही हूँ, वन बाय वन इन्हें सेट कर दूँगी। और ये जो मेरी वेलवेट वाली जैकेट है ना, ये मैंने लास्ट ईयर ली थी और जैसलमेर में भी पहनी थी। अगर आपने मेरा जैसलमेर व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने इसको पहन रखा है। और ये जो दो जैकेट अभी आपको दिखाऊँगी वाइट और सैंडल कलर की ना, ये इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी आज से 3 साल पहले लगभग, दी होंगी गिफ्ट 3 से 3.5 या 4 साल पहले। और ये ना ऑफ सीजन में हमने ली थी, तो ये मुझे 1250 की ही पड़ी थी, क्योंकि ऑफ सीजन में रेट्स कम कर देते हैं ना भैया लोग, दुकान वाले भैया लोग जो भी होते हैं। तो ऑफ सीजन में ली थी, तो इस क्योंकि फेब में मेरा बर्थडे आता है तो ये ऑफ सीजन में ली थी, तो इनकी रेट कम करके दे दी थी उन्होंने। तो इस तरीके से सारी जैकेट वगैरह सेट कर दिए। और वो जो वेलवेट वाली जैकेट है ना, उसका प्राइस मुझे याद नहीं है, शायद 1900 या 1800 की थी। तो बस ये सब चीज़ें सेट कर दी हैं मैंने, और बस इन सब चीज़ों को सेट करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अभी इवनिंग टाइम हो चुका है और काम करने के बाद इतना थक गई थी कि मैं सो गई, लगभग 1 से 1.5 घंटे सोई। फिर उठ के अभी चाय बनाई सबके लिए और झाड़ू दी, शाम के टाइम वाली जो झाड़ू होती है ना 5 बजे से पहले लगानी होती है अभी, क्योंकि 5 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा पहले फटाफट झाड़ू वगैरह का काम कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ रूम, फिर आप लोगों से बैठ कर बात करूँ। पीछे बच्चे लोग खेल रहे हैं नीचे, तो उनकी आवाज़ आ रही है, तो उसे अवॉइड कीजिएगा। और रेसिपी आप लोगों को आज कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और काफ़ी अच्छी लगी, बहुत टेस्टी लगी, अथक को भी अच्छी लगी। और इस तरीके से आप अगर मेथी मटर मलाई सब्जी बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आती है उसमें, क्योंकि नहीं तो मेथी को डायरेक्ट हम डाल के बनाते हैं ना तो वो ज़रूर से कड़वी बनती है, लेकिन हम उबाल लेते हैं तो फिर उसका कड़वापन जो है वो सारा निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपने नहीं बनाई है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आज रेसिपी ही मुझे मेन देनी थी ब्लॉग में, क्योंकि मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट थी कि दी आप विंटर स्पेशल रेसिपीज़ दीजिएगा, तो मैंने कहा चलो आज विंटर स्पेशल रेसिपीज़ देते हैं, सब्जियां भी हैं मेरे पास विंटर स्पेशल, तो क्यों ना आज आप लोगों को रेसिपी देती हूँ।
तो मुझे जरूर बताना। फिर मैं बॉक्स वगैरह सेट करने लगी, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियां बढ़ेंगी तो यहाँ पर जैकेट बिना काम नहीं चलता है, क्योंकि हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैकेट वाली सर्दी पड़ती है। तो आज वो भी मुझे संभालनी थी, उसमें गोलियां वगैरह भी डालनी थी, नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती है ना वो डालनी थी, जिससे वो ख़राब नहीं हो गर्म कपड़े, क्योंकि लास्ट ईयर वाली तो मैंने निकाल दी और अभी नई वाली डाली, क्योंकि उनकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है एक साल में, तो मैंने अभी नई डाली है उसमें, और बॉक्स को भी संभाल लिया है। तो इसमें टाइम निकल गया आज सारा काम करते करते, तो मैं सोची इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, कल एक नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।